ये रहा मेरा वट सावित्री मेकअप लुक। तो मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी कि वट सावित्री पे मेकअप कैसे करें बिल्कुल सिंपल तरीके से। अगर आपके पास ज़्यादा सामान नहीं हो, कम सामान में भी आप पार्लर जैसे अपने घर पे कैसे सजे, आज वही मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगी। क्योंकि कल है वट सावित्री और वट सावित्री पूजा के लिए सभी लड़कियां चाहती हूँ मैं सबसे सुंदर दिखूँ, सबसे अच्छी दिखूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक डिसाइड नहीं किया है कि इस वट सावित्री पे कैसा मेकअप करें, क्या ज्वेलरी पहने, कैसे तैयार होना, पार्लर जाने का टाइम नहीं है आपके पास बिल्कुल भी नहीं और घर पे तैयार होना भी नहीं आता आपको, तो टेंशन की कोई बात नहीं। मैं हूं ना दिव्या, मैं आपको बताऊंगी आज बिल्कुल सिंपल तरीके से कि वट सावित्री पे कैसे मेकअप करें। और मेरा मेकअप का लुक देखो, मैंने यहाँ पे आई मेकअप भी किया है और ब्लशर भी मैंने लिपस्टिक से लगाया लिपस्टिक, और यहाँ मैंने बड़ी सी बिंदी की। और ये जो देख रहे हो ना टीका, ये टीका नहीं है, ये गले का सेट है जिसे मैंने टीका का रूप दिया, टीका जैसा लग रहा होगा। और ये रहा मेरे पास गले का सेट एंड इयररिंग, और मैंने ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। अब चाहो तो नाक में नथ पहन सकते हो या फिर ऐसे भी रह सकते हो, ये लोग भी काफी अच्छा लगे। तो आप लोग भी चाहते हो ना कि आपकी पति की नज़र आज आप पे ऐसी पड़ी रहे वट सावित्री दिन कि कहीं इधर उधर ना भटके ना, तो आप इस बार अच्छे से तैयार होना अपने पति देव के लिए। मैं लाई हूँ आप लोगों के लिए वट सावित्री पूजा का मेकअप का ये लुक। तो फ्रेंड, अगर मेरा ये मेकअप का लुक आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करना, साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना और इस वीडियो को ढेर सारा शेयर भी करना। फ्रेंड, सबसे पहले अपने फेस को क्लीन वाटर से क्लीन कर ले। उसके बाद यहाँ मैं लगा रही हूँ रोज स्प्रे वाली रोज वाटर है, ये गुलाब जल, आप इसे अच्छे अपने फेस पे कर दो, ये मॉइस्चराइजर का काम करता है। उसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ टोनर, ये लकमे का टोनर है। तो टोनर लगाने से क्या है कि हमारा जो भी मेकअप है ना ज़्यादा देर तक टिकेगा, अच्छा रहता है। थपथपाते हुए आप पूरे फेस पे लगा टोनर। उसके बाद मैं यहाँ यूज कर निविया क्रीम, आपको जो क्रीम सूट करता है, जो क्रीम आप डेली यूज में लगाते हो ना वही क्रीम लगाए। क्रीम लगाने के बाद मैं यहाँ पर लगा रही हूँ कंसीलर, हमारे फेस पे जो डार्क सर्कल होते हैं ना और जो धब्बे वगैरह होते हैं वो सब इसे छुप जाते हैं, तो यहाँ मैं लगा रही हूँ कंसीलर को। हमेशा पूरे फेस पे डॉट डॉट के तरह लगाए। उसके बाद आप यहाँ पर पप की सहायता से मैं इसे पूरा मिक्स कर रही हूँ, आप चाहो तो हैंड की सहायता से, फिंगर की सहायता से भी कर सकते हैं, पर पप को मैंने थोड़ा सा पानी में भिंगा दिया था। उसके बाद अगर आप फेस पे लगाओगे ना और पूरे नेक पे भी कंसीलर लगाना तो क्या है हमारे फेस और नेक का दोनों का जो शेड है ना एक जैसा हो जाता है। उसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ ब्लू हेवन का फाउंडेशन। ब्लू हेवन का फाउंडेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसकी कीमत बस 50 रुपये कीमत है इसकी, लेकिन हाँ ये हमारे फेस को बहुत अच्छा सूट करता है, अच्छा रहता है। तो यहाँ मैं फाउंडेशन लगा रही हूँ पूरे आँख के नीचे, मतलब चीन के पास, लिप के नीचे, आईब्रो के नीचे, नेक पे, हर जगह पे आप फाउंडेशन लगा। और यही पप की सहायता से मैं पूरी तरह से इसे करूँगी, ज़्यादा इसे रगड़ना नहीं है, बस हल्के हाथों से इसे मिलाते हुए लगाना ताकि पूरी अच्छी तरह से। पूरे मेकअप में सबसे जो मेन काम होता है फाउंडेशन का ही काम है, अगर फाउंडेशन आपके फेस पे कुछ ज़्यादा ही लग गया ना तो पूरा मेकअप बेकार हो जाता है, इसलिए फाउंडेशन लगाते समय ध्यान रखें। उसके बाद मैं यहाँ ब्राउन कलर की पेंसिल से अपने फेस को शेप दे रही हूँ। फेस का बेसिक मेकअप तो हो गया, अब आई आई मेकअप की बारी। तो आई मेकअप तो सबसे मेन चीज़ होता है फेस में, अगर आई खूबसूरत लगेगी तो मतलब ऑटोमेटिक आप खूबसूरत दिखोगे। तो यहाँ जो मेरी है ड्रेस रेड एंड ग्रीन कलर का है तो मैं उसी से मैच करता हूँ आई शेडो लगा रही। तो यहाँ मैं पूरे आई पे ग्रीन कलर यूज कर रही हूँ, ग्रीन लाइट शेड में ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर मैं फिंगर के सहायता से आई शेडो लगा रही हूँ। आप देख रहे हो दोनों हाथ मतलब दोनों आंखों पे धीरे धीरे करके हाथ मतलब फिंगर के सहायता, आप चाहो तो ब्रश से भी कर सकते हो, लेकिन मुझे लगता है ना कि मैं अगर फिंगर से करती हूँ ना तो अच्छे से मैच कर अच्छे से हो पाता है। तो यहाँ मैंने ग्रीन कलर का पूरा आउटलाइन किया और बीच में मैंने राउंड में मैंने रेड यानी रेड पूरा रेड नहीं ऑरेंजेस ऑरेंज लिए हुए रेड है ना उसे मैं यहाँ बीच में कर रही हूँ। ये काफ़ी खूबसूरत लग रही है, आप देख रहे हो कि आई इस तरह से आपका जो भी कलर का ड्रेस हो, जो भी कलर का साड़ी हो ना उससे मैच करता हुआ आप आई शेडो जरूर लगाए। आई शेडो लगाने के बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ आई लाइनर, ये पेंसिल वाली आई लाइनर है। बहुत सारे लोगों को पेंसिल वाली आईलाइनर पसंद आती है, मुझे ही पसंद आती है, अगर मुझे जल्दी जल्दी तुरंत जाना है ना कहीं भी तो पेंसिल वाली आईलाइनर मुझे अच्छी लगती है। उसके बाद यहाँ मैं अपने आंखों में भर रही हूँ काजल, ये आइकॉनिक काजल है, ये काजल भी काफ़ी खूबसूरत होती है, मेरे आंखों को अच्छी लगती है। और ये जो काजल है ना ये अगर आप एक बार लगाओ तो 24 आवर तक काजल बिल्कुल वैसा का वैसा ही लगा रहा है, इससे आंखें भी बड़ी बड़ी सी दिखती। तो मेरा आंखों का मेकअप तो अब हो गया है कम्प्लीट, अब हमें करना है अपने आईब्रोज को शेप देना। तो मैं यहाँ आईब्रो को शेप दे रही हूँ आईब्रो पेंसिल से, ये ब्राउन कलर की आईब्रो पेंसिल है। आप जब भी आईब्रो को शेप दो ना, आईब्रो पे पेंसिल लगाओ ना तो ब्राउन कलर लगे, ब्लैक मत लगाना, वो बहुत ज़्यादा ही दिखने लगता है, ब्राउन कलर अच्छा रहता है आपके मतलब आईब्रो से मैच करता हुआ रहता है। उसके बाद मैं यहाँ लगा रही हूँ लिप लाइनर लगाने के बाद यहाँ जो है पिंक कलर की लिपस्टिक से मैं यहाँ ब्लशर लगा रही हूँ। मैंने आज ब्लशर का यूज नहीं किया, पिंक कलर का लिपस्टिक है मेरे पास लाइट शेड में, तो उसी से मैं यहाँ करूँगी और वहाँ पप की सहायता से हम इसे अच्छे से
मिक्स कर देंगे ऊपर की तरफ से, तो चिक पे तो ये ब्लश का काम करेगा। फ्रेंड तो मेरा मेकअप का लुक कैसा लग रहा है, और मैं जो इसे मेकअप कर बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं मेकअप कर रही हूँ। आप लोग अगर मतलब जल्दी में भी पूजा के समय में ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता ज़्यादा मेकअप करने को, तो मैं जो भी मेकअप का बता रही हूँ ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बता रही हूँ। आप आराम से घर लिपस्टिक लगाने के बाद मैं यहाँ लगा रही बिंदी, ये लंबी वाली बिंदी है लेकिन मुझे लगा कि इस पर सूट ज़्यादा नहीं करे तो मैंने यहाँ राउंड शेप में बिंदी लगाई। अब जरा बताना ना प्लीज कि मुझे राउंड वाली बिंदी मेरे पे ज़्यादा अच्छी लगी या लंबे वाली। और उसके बाद आई नेकलेस की वाली, ज्वेलरी की वाली। तो आपके पास जो ज्वेलरी हो, जितना ज्वेलरी हो, भर भर के आप पहन सकते हो इस बार सावित्री पूजा में, भर भर के आप पहन सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ रेड एंड ग्रीन कलर का ही मैच करता हुआ एक नेकलेस है, तो मैं यहाँ ये नेकलेस पहन ली गले में। उसके बाद मैं पहनूँ ईयरिंग, और अभी और कुछ बाकी है जो कि मेरे पूरे मेकअप में ना हाईलाइट करने वाला। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक बना रहना कि आखिर मैं ऐसा क्या ऐसा अभी यूज करने वाला हूँ जिससे कि मेरा जो मेकअप है पूरा फाइनल लुक हो जाए। फाइनल लुक अभी करना बाकी है। और आपने देखा कि मैंने कितना मतलब सिंपल तरीके से, आपके पास जो सामान घर में है बस उसी से आप मेकअप करो ना, बस मेकअप करने का तरीका सही होना चाहिए। कैसे करना वो आप वीडियो देख के आप समझ सकते हो। अगर आपको मेरा ये मेकअप करने का लुक मतलब अच्छा लगा आपको, बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके से बताया, तो मुझे कमेंट करके बताना। उसके बाद मैं यहां अपने हेयर को ओपन करके हेयर को मैं कॉम कर लेती हूं क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश किया है। तो यहां आप चाहो तो हेयर में जूड़ा भी लगा सकते हो, क्लचर लगा सकते हो, या चोटी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन मैं यहां अपने हेयर को ओपन रख रही हूं। और ये है मेरा नेकलेस रेड कलर का। नो 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 नो, आपने सोचा कि नेकलेस में पहनने वाले, नहीं नहीं, आज मैं नेकलेस से टीका बना रही हूं, मांग टीका। तो यहां देखो कि मैंने यहां बस ऊपर से, आप यहां चाहो तो सिफ्टी पिन भी लगा सकते हो, और यहां से लेकर नीचे आप अगर जूड़ा बना लोगे ना, जूड़ा में भी ये काफी अच्छा लुक लगता है। तो यहाँ आगे से नीचे की तरफ मैंने वहाँ पे लॉक लगा दिया है चेन का, और उसके बाद ये टीका का लुक लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये लुक। तो मुझे बताना जरा कि मेरा ये लुक आप लोगों को कैसा लगा। और ये मैं अपना दुपट्टा को सही कर, आप चाहो तो इसके ऊपर चुंदरी भी डाल सकते हो, बैंगल पहन सकते हो, कमरबंद पहन सकते हो, जितना हो सके आप इसके ऊपर पहन सकते हो। मैंने बस सिंपल लुक दिखाया कि ऐसे सिंपल लुक आप कर सकते हो वर्षावित्री पूजा पे। बस थोड़ा सा 10 मिनट अगर आप समय दोगे ना तो आप खूबसूरत बन। लेकिन हाँ, ये टीका का लुक आप लोगों को कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताना। आप चाहो तो आपके पास कोई भी नेकलेस हो, गोल्डन कलर की नेकलेस हो, वो नेकलेस भी आप पहन सकते हो, या कोई भी नेकलेस को आप टीका लगा सकते हो, या अगर आपके पास टीका है तो आप सिर्फ टीका ही लगा लेना, वो भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। तो यहाँ मैंने रेड पे ग्रीन कलर का मेरा ड्रेस था, तो उसी से मैचिंग करते हुए मैंने आई शैडो में रेड एंड ग्रीन कलर का लगाया। आपके पास जिस कलर की साड़ी है उसी कलर का आई शैडो एंड आई का मेकअप आप उसी तरह से करें, काफ़ी अच्छा लगेगा। नेकलेस भी मैंने रेड एंड ग्रीन कलर का ही पहना है, तो आप इसी तरह का करें, अच्छा लगेगा काफ़ी। तो कैसी लग रही है मैं ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फ्रेंड अगर आज की वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं मेकअप का वीडियो और भी लाऊं तो ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताना, मैं और भी इस तरह की वीडियो लेके आऊंगी आप लोगों के लिए।